आप लोगों ने ज्यादातर होटल्स में ह्यूमंस को काम करते देखा होगा, लेकिन चाइना में दुनिया का इकलौता ऐसा होटल है जहां पर ह्यूमन एम्प्लॉय है ही नहीं। तो वहां काम कैसे होता है? वहां काम होता है रोबोट्स के द्वारा, छोटे से लेके बड़े काम तक, रिसेप्शन से लेके रसोई में खाना बनाने तक और उसे परोसने से लेके सफाई तक का काम रोबोट करते हैं। और इन सारे रोबोट्स को एक सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल करता है। वहां पर रूम को खोलने के लिए फेस लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है। गाइज, इस पूरे होटल को चाइना की अलीबाबा कंपनी ने बनाया और इसका नाम है फ्लाइजू। ऐसी टेक्नोलॉजी, ओ माय गॉड, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका के हाथ में शील्ड को तो देखा होगा और उसको देख के शायद ऐसा महसूस होता होगा कि काश हमारे देश की सेवा में लगे और रक्षा में लगे सैनिकों के हाथ में ऐसी शील्ड होती ताकि उनकी जान को बचाया जा सकता। देखो, बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन जापान ने अपने सैनिकों की रक्षा के लिए इससे भी ज्यादा एडवांस शील्ड बना लिए जो कि मात्र 3 सेकंड में खोली जा सकती है। इनफैक्ट उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया है, जिससे अगर मान लो किसी ने बंदूक तान दी तो 3 सेकंड में वो अपने आप खुल जाती है ना। गजब की बात। क्या आपके बात पहले से पता थी? नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।